हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ जुड़ी हूँ एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ तो जैसे कि आपने थंबनेल में सभी ने देख लिया होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2020 तो आपको आप जैसे ही जानते हैं कि एसएससी ने एक नई पोस्ट की ली वैकेंसी रिक्रूटमेंट जारी की है जिसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा तो इसी की पूरी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है क्या हमारी सैलरी रहने वाली है और इसके साथ साथ कैसे हम एग्जाम को क्लियर करें क्या हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है और क्या हमारा सिलेबस रहेगा ठीक है तो आज इन सभी के बारे में बात करेंगे तो बढ़ते हैं आगे हम जो बात करेंगे एस एस रिक्रूटमेंट 2020 ट्वेंटी देखते हैं वैकेंसीज के बारे में जो हमारे सामने वैकेंसीज हैं वो एट थाउजेंड से टेन थाउजेंड के बीच में वैकेंसी रहने वाली है तो एसएससी ने जो है बहुत ही अच्छी अमाउंट में एमटीएस के लिए वैकेंसी uh, निकाली हैं दैट इज एट थाउजेंड टू टेन थाउजेंड तो बहुत ही बम्पर अमाउंट में आपके पास वैकेंसीज है तो इसके लिए जरूर मेहनत कीजिए और जल्दी से आप जो है इस जॉब को ग्रैप करिएगा ठीक है तो बढ़ते हैं आगे सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने एज लिमिट आती है ठीक है एज लिमिट जो हमारी कैलकुलेट की है इन्होंने एक जनवरी दो के अकॉर्डिंग की है और उसके अकॉर्डिंग जो अट्ठारह से पच्चीस साल के कैंडिडेट्स हैं अठारह से ट्वेंटी फाइव के जो भी कैंडिडेट यानी कि वो दो एक नाइन सिक्स से पहले बॉन्ड नहीं होने चाहिए और एक जनवरी दो हजार तीन के बाद तो भी लाइक करता है वो सभी कैंडिडेट्स इसको फॉर्म को इजिली एलिजिबल हैं और वो उन सबको भर सकते हैं ठीक है कुछ वैकेंसीज के लिए इसमें कुछ पोस्ट के लिए जो है अट्ठारह से सत्ताईस तारीख अट्ठारह से सत्ताईस साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं तो एक बार आप उसके लिए चेक कर लीजिएगा बात करते हैं कि आपको जो भी कुछ कैटेगरी वाइज जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आपको अगर अस्सी अस्टी कैंडिडेट्स हैं तो आपको फाइव ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा ठीक है यानी कि आप पच्चीस साल और प्लस पाँच साल यानी कि अगर आप तीस साल तक के भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी के लिए तीन साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है पी जो अनरिजर्वड हैं टेन ईयर्स का पी डब्ल्यू डी ओ बी सी के लिए थर्टीन ईयर्स का और फिर पी डब्ल्यू डी एस सी एस टी के लिए फिफ्टीन ईयर का एज रिलैक्सेशन आपके सामने दिया गया है ठीक है बढ़ते हैं आगे इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको एक जनवरी दो हजार इक्कीस तक सारे पैरामीटर्स इन्होंने एक जनवरी दो हजार इक्कीस तक ही कैलकुलेट किए हैं तो एक जनवरी दो हजार इक्कीस तक आपको मैट्रिकुलेशन पास हो जाना चाहिए यानी कि आपके लिए जो इसके लिए चाहिए वो दैट इज ओनली टेंथ पास ठीक है तो अगर आप सभी लोग ओनली टेंथ पास हैं ठीक है टेंथ कर रखी है और उससे ज़्यादा कुछ भी कर रखा है लेकिन आपने टेंथ पास हैं तो आप सभी इसको फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी बोर्ड से आपने की हो कोई मैटर मैटर नहीं करता ठीक है तो किसी भी रिकॉगनाइज बोर्ड से अगर आप टेंथ पास हैं तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल है और इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की तो जो एप्लीकेशन फ़ीस आपके लिए दी गई है वो हंड्रेड रुपीज़ हैं और ध्यान से देखिएगा जो हंड्रेड रुपीज़ हैं वो किसको पे करने हैं जो भी आपके जनरल हैं और ओ बी सी कैंडिडेट्स हैं और उनमें भी जो सिर्फ मेल है उनको क्या करना है आपको हंड्रेड रुपीज की पेमेंट करनी है क्योंकि बाकी सारी वुमेन कैंडिडेट्स एस सी हो एस टी हो अदर कैटेगरी से या फिर पीडब्ल्यू डी हो या आपकी एक्स सर्विसमैन हो या फिर वुमेन कैंडिडेट्स आपकी जनरल या ओबीसी से हो वो भी सब क्या है इसके लिए आपको एग्जाम है यानी कि जो आपको सौ रुपए पे की पेमेंट करनी है वो किस किस को करनी है जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स को ओनली पेमेंट करनी है वो भी सौ रुपये की पेमेंट ठीक है तो ज्यादा अमाउंट नहीं है इजिली आप इस फॉर्म को इजिली फिल कर सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर जो भी बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है ठीक है उसका क्या पैटर्न रहेगा क्या आपका सिलेबस रहेगा उस सब के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें दो एग्जाम होने वाले हैं एक तो पेपर वन और पेपर टू जो पेपर वन रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा इसमें आपको चार सेक्शन देखने को मिलने वाले हैं ठीक है सबसे पहले इंग्लिश फिर आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस सभी के 20-25 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25-25 मार्क्स -25 के रहेंगे और इसके लिए जो आपको टाइम अलोकेट किया गया है दैट इज 90 मिनट यानी कि 1.5 आवर्स आपको मिलने वाला है इन 100 क्वेश्चन के लिए तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्टिमम टाइम है आपके पास इजीली आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं ठीक है और कोई भी आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं है कंपोजिट टाइम आपको मिलेगा ठीक है तो इस तरह से आपको चार पेपर्स के कम पेपर वन में चार सेक्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं और जो कैंडिडेट्स इस पेपर वन को क्लियर करेंगे उनका एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा बहुत ही इजी होता है ठीक है जिसमें आपको एस या लेटर राइटिंग लिखना होगा और आप चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं जो भी आपकी लैंग्वेज हो यानी कि हिंदी में भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं ठीक है फिफ्टी मार्क्स का रहेगा और इसका जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको थर्टी मिनट्स दिया जाएगा ठीक है तो थर्टी मिनट्स में आपको एस राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग जो भी आपको मिलेगा इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज आप चूज करोगे उसमें आपको करना होगा ठीक है उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की सिलेबस जैसे कि पेपर वन आपका रहने वाला है चार सेक्शन हमने बात करी थी एक तो इंग्लिश मैथ ठीक जिसे आप एप्टीट्यूड कहते हो उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद जनरल अवेयरनेस तो ये चार सेक्शन के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर बात कर ले जाते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने इंग्लिश है इंग्लिश में आपको जो मिलेंगे ठीक है बेसिक इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे मोकबलरी स्किल्स पे रहेंगे ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एंटोनियम्स इनोनियम्स ठीक है और इनका करेक्ट यूसेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेंगे क्योंकि आप समझ लो हैं टेंथ बेस्ड एग्जाम है तो टेंथ बेस्ड एग्जाम है तो बहुत ज्यादा हाई लेवल आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है इजी आपको रहेगा सब कुछ आपको थोड़ा सा एफर्ट करने है और आप इस जॉब को ग्रैप कर सकते हो ठीक है उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग रीजनिंग में आपको क्या मिलेगा वही एस जजमेंट डिसीजन मेकिंग मेमोरी ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप फिगर्स कॉन्सेप्ट और उसके बाद फिगर क्लासिफिकेशन सीरीज ठीक है इन्हीं से आपको अथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स एनालिटिकल फंक्शंस ठीक है इन्हीं सबसे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं दैट इज़ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे दैट इज नंबर सिस्टम से आपको मिलेंगे उसके बाद डेसिमल एंड फ्रेक्शन से उसके बाद आपको ऑपरेशन एथमेटिकल ऑपरेशन से ठीक है थीके? जो आपको बोर्ड मार्क्स रूल पे बेस्ड होते हैं बेसिकली उसके बाद परसेंटेज रेशियो प्रपोर्शन एवरेज सी आई एस आई देन आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट टेबल्स और ग्राफ्स का यूज करके आपको डीआई मिलेगा, ठीक है डी पे क्वेश्चन आएंगे दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन आफ्टर दैट मैंशन टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम टाइम एंड वर्क ठीक है तो इसी सभी टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं मैं फिर से आपको बता दूं टेंथ बेस्ड एग्जाम है टेंथ पास कैंडिडेट्स के लिए तो बिल्कुल भी लेवल हाई नहीं होने वाला है ठीक है तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं उसके बाद जनरल अवेयरनेस में बात करूँ तो सबसे पहले आपको करंट अवेयरनेस मिलेगी ठीक है जनरल अवेयरनेस मिलेगी एनवायरमेंट के बारे में उसके बाद जो भी आपके करंट इवेंट्स चल रहे हैं करंट ऑब्जर्वेशंस जो भी हैं करंट अफेयर्स जिसे आप कहते हो वो आपको मिलेगा उसके बाद सब्जेक्ट की हम बात करें तो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च से कोई भी क्वेश्चन है तो यह सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं तो इस तरीके से आपको इन चारों सब्जेक्ट को कवर करते हुए पेपर वन को क्लियर करना है और जो भी कैंडिडेट्स पेपर वन को क्लियर करेंगे वो पेपर टू में एलिजिबल होंगे और पेपर टू में आपको इजिली एक सिंपल सा एक एस ए या फिर लेटर राइटिंग लिखना पड़ेगा और वो भी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है इंग्लिश या हिंदी आप जो भी लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे उस लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा ठीक है तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो उसके बाद अगर हम बात करें जब हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे तो हमारी जो इनहैंड सैलरी हमको मिलने वाली है पच्चीस से तीस हज़ार लगभग सत्ताईस हज़ार सैलरी आपको इनहैंड मिलने वाली है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ठीक है और इजीली आप इसे ग्रैप भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आपको सामने नहीं आने वाली है तो जल्दी से जाइए और इसका एग्जाम इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ डेट्स आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मैंशन की गई हैं तो जो आपकी लास्ट डेट है फिल करने की वो क्या है इक्कीस मार्च और कब से ये फॉर्म खुले हुए हैं पाँच फरवरी से इक्कीस मार्च तक आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हो और आपको जैसे कि पता है ये फॉर्म जो है एसएससी की तरफ से निकाला है और आपको पता है कि जो एसएससी की जो साइट है वो कभी भी अपनी प्रॉपर्ली नहीं चलती है तो इसलिए लास्ट डेट का हमें वेट बिल्कुल नहीं करना है आज ही जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस लिंक के थ्रू आप जाइए और इसकी वेबसाइट पर और वहाँ से आप इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए ठीक है जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो तेईस मार्च है उस बात ऑफलाइन चलान जो भी कैंडिडेट्स बनेंगे दैट इज 25 मार्च आफ्टर दैट आपका जो एग्जाम होने वाला है जो एग्जाम के उन्होंने टेंटेटिव डेट दी है दैट इज फर्स्ट जुलाई से 20 जुलाई 2021 के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है और जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम इस एग्जाम को पास करेंगे वो टीयर टू में बैठेंगे और उनके जो डेट रहेगी जो टीयर टू की वो 21 नवंबर आपकी डेट रहेगी ठीक है तो जल्दी से आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सैलरी में आपको मैंने बता दिया लगभग सत्ताईस हज़ार पच्चीस से तीस हज़ार आपकी सैलरी बनती है इन हैंड तो बहुत अच्छी सैलरी भी है ठीक तो है तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको फिल लिंक देख लीजिए और वहाँ से इसको क्लिक करके फॉर्म फिल कर लीजिए ठीक है तो ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स के, के लिए जो भी इसको फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और जो भी इस एग्जाम में बैठने वाले हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक भी आप कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं नए नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक You so much. Bye bye.